कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ,
परमहंस प्रजगाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। सब लोग हाथ जोड़े कृपया मेरे बात दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तदाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुं वर्गे नया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमालं प्रेमापमार्थो महां श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्
श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न परं गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत करते हैं आप सभी भक्तों का इस रविवार प्रीतिभोज कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मित्र के संघ के संस्थापक आचार्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन के प्रत्येक केंद्र पे जो है रविवार को प्रीतिभोज कार्यक्रम का व्यवस्था किया है, जहाँ पे भक्तगण जो है बैठकर भगवान के विषय में कुछ कथाओं का श्रवण करें। भगवान की कथा का श्रवण करना एकमात्र जीवों का आहार है, आत्मा का भोजन है भगवान की कथा को श्रवण करना। हम शरीर को तो भोजन देते हैं प्रतिदिन, कोई डाउट नहीं, बिना याद किए देते ही देते हैं, दिन में 3-4 बार जितना बार 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 देते ही रहते हैं। हम शरीर को तो आहार देते हैं, लेकिन समस्या क्या है, आत्मा को आहार नहीं देते, आत्मा को भोजन नहीं देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि यही कारण है कि जीवन में दुख है। लोग बोलते हैं ना कि हम इतना अच्छा अच्छा कार्य कर रहे दुखी क्यों हैं, प्रश्न रहता है लोगों का क्यों दुख हो रहा है इतना। यही कारण है कि हम भगवत कथा का श्रवण नहीं करते हैं, इसलिए दुख है। क्योंकि जिसको भोजन देना है उसको भोजन नहीं दे रहे हैं, और जिसको नहीं देना है उसको भी देना है, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं है जितना हम उतना पालन पोषण करते हैं। अपने आप को शरीर मान के पालन पोषण करते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। आप सब लोग जानते हैं ना, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। शरीर होते तो मरने के बाद क्यों जलाया जाता, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मरने के बाद कितना भी प्रेम था वो सब प्रेम गया खाड़ी में। अब ले जाओ इसको, भले से रोते हैं लेकिन अंततः अंदर तक इच्छा क्या होता है, ज़्यादा देर नहीं तो सड़ेगा, बांस मारेगा, भूत बनेगा। ले जाओ। इससे जान लेना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और क्या करना चाहिए, आत्मा का परम भोजन है कृष्ण कथा, भगवान की कथा। हम जितना कथाओं को श्रवण करेंगे हमारे जीवन में उतना ही आनंद आएगा, क्योंकि जहाँ भोजन देना है वहाँ भोजन दे रहे हैं कथा के माध्यम से, आप ये अनुभूति करेंगे। हम कथाओं का जितना श्रवण करेंगे आप ये अनुभव करेंगे कि हमारे जीवन में उतना ही सुख आ रहा है। आप शरीर को कितना भी पालन पोषण करो, कितना भी क्रीम इत्यादि लगाओ, उसको साबुन लगाओ, कुछ भी करो, बुढ़ापा आने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम आत्मा को भोजन देते हैं तो एकमात्र यही है जीवों का भोजन, और इसको हम करते हैं तो क्या होगा, हमारे जीवन में सुख आएगा। नहीं तो आप कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी गधा मजदूरी कर लो, कुछ भी कर लो, जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। एक तो भगवान ने इस दुनिया को बनाया, संसार को बनाया तो स्टेम मार दिया, गीता में कहते हैं ना दुखालयम अशाश्वतम, ऐसा स्टेम मार दिया, वो जज मारता है। दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखों का आलय है। भगवान ने स्टेम मार दिया, ये संसार दुखों का आलय है, और हम क्या करने निकले हैं, सुख ढूंढने निकले हैं। जहाँ सुख है ही नहीं, ढूंढ के कहाँ क्या क्या प्राप्त करोगे, इस संसार में सुख है ही नहीं। लेकिन इस दुखमय संसार में भी अगर आप रहकर भगवत कथा का श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से आप आनंद का अनुभव करेंगे, अन्यथा इस संसार में कुछ भी कर लो सुख नहीं मिलने वाला है।
गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस के अंत में कहते हैं, अंत में सार बातें कहते हैं ना, हाँ अंत में कुछ सार बातें, जैसे कि जो है कुछ भी मीटिंग चलता है, प्रवचन चलता है, अंत में कुछ सार बातों को बताया जाता है। गीता भी भगवान ने सुनाया था, अंत में सार बातों को प्रस्तुत किया संजय ने, क्या यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नितिर मंत्र, जहाँ योग योगेश्वर भगवान कृष्ण और जहाँ अर्जुन वहाँ पे विजय ही विजय है। मतलब घोषणा कर दिया किसकी जीत होने वाली है। रामचरित मानस में तुलसीदास जी अंत में कह देते हैं कि एक बार कछुए के पीठ पे बाल उगना संभव हो जाए। क्या कहते हैं, कछुआ का पीठ उस पे बाल उग सकता है, नहीं उगता है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं वो संभव हो सकता है। एक बार ऐसा मान सकते हैं कि बर्फ में भी आग लग सकता है, बर्फ में आग लगता है नहीं ना, तुलसीदास जी कहते हैं वो भी संभव हो सकता है इस संसार में। और ये भी कहते हैं कि एक बार संभव हो सकता है कि इस मिट्टी को पेरने से तेल निकल सकता है, मिट्टी को पेरने से तेल निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ये भी संभव हो सकता है, लेकिन इस संसार में रहकर सुख मिले कभी संभव ही नहीं है, कभी संभव नहीं है। इसलिए सुख को ढूंढना है क्या है, हमारा अज्ञानता है, क्योंकि यहां दुख ही दुख है केवल। इस दुख में संसार में एक ही व्यक्ति सुखी हो सकता है, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है जो क्या करता है, भगवत कथा का श्रवण करता है। नवधा भक्ति में प्रहलाद महाराज ने बता दिया ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद श्रवण, क्यों घूम रहे हो इधर उधर, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति क्या है, श्रवण करना। इसलिए मैं बोला क्यों घूम रहे हो, श्रवण करो, एक घंटा तो आधा घंटा एक घंटा हफ्ते में एक बार, हम तो संडे वाले भगत है ना, रविवार भले भगत है ना, तो वो भी आके रविवार के दिन इधर उधर 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 घूमेंगे तो फिर क्या हो गया कल्याण, एक घंटा के लिए समय निकाला रविवार को वो भी सुना नहीं, और जो हमारा मुख्य कार्य है श्रवण करना नहीं किया तो फिर क्या फायदा। भगवत कथा का श्रवण करना एकमात्र जीवों को वही चीज सुख देख सकता है। ध्यान से श्रवण करके भक्तों अनुभव करके देखिए इस बात को, अनुभव करके देखिए भगवान की कथा में सुख है। मैं रास्ते में आ रहा था, वैसे तो थोड़ा विलंब जरूर हुआ लेकिन फिर भी समय पे पहुंच जाता था, लेकिन इस रास्ते से आए तो उधर ना बंद था वो रास्ता, फिर मेरे को घूम के इधर से आना पड़ा। मैं अभी एक भागवत कथा चल रहा है उसकी पूर्णा होती थी, वहाँ पे हमको बुलाया गया था एक कुछ समय के लिए बोलने के लिए, गौ माता के ऊपर बोलने के लिए। मैं रास्ते में आ रहा था तो सोच रहा था कि क्या चर्चा किया जाए, क्या भोजन खिलाया जाए, ये भोजन ही ना कृष्ण कथा भोजन है, क्या भोजन खिलाया जाए। तो मैं सोचा कि आने वाले संडे को क्या है, रविवार को स्नान पूर्णिमा है, भगवान जगन्नाथ जी का क्या है बर्थडे है, जन्मदिन है भगवान जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी उस दिन प्रकट हुए हैं। तो मैं सोचा क्यों ना इस जगन्नाथ जी के प्राकट्य के उपलक्ष्य में जो है हम जगन्नाथ जी की कथा का श्रवण करते हैं, जगन्नाथ जी का किस प्रकार से प्राकट्य इन सारे चीज़ों को थोड़ा से जो भी समय बचा है, पता नहीं बचा है कि नहीं बचा है ना, आधा घंटा है ना, 9 बजे तक है ना, 9:30। देखिए मेरे साथ खिलवाड़ मत करिएगा। मेरा एक कंप्लेन है कि ये आसन में बैठता है तो उठता नहीं है। इसलिए सही टाइम दीजिएगा, सच बताइए 9:30 पक्का, चलिए मतलब इससे पता चलता है यहाँ पर श्रवण करने वाले भक्त आ रहे हैं। हाँ हरी हरी। बस बस भगवान जगन्नाथ जी की कथा श्रवण करने से पहले थोड़ा सा हमको उनको प्रणाम करते हुए स्मरण करते हुए फिर उनकी कथाओं की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कृपया आप सब लोग मेरे बाद उच्चारण करिए, देव देव जगन्नाथ, जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हैं ना सब लोग, दर्शन कर रहे हैं इसलिए प्रणाम मंत्र आना चाहिए, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी लिखने का प्रक्रिया मत करिएगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है ले लीजिएगा, उधर से बाद में घर में लिख लीजिएगा, ठीक है। जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र बोलूंगा, बलदेव जी को बोलूंगा, सुभद्रा जी का बोलूंगा और सुदर्शन जी का बोलूंगा, ठीक है।
और मुझे यहाँ तक विश्वास है कि आप लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको लिख लीजिएगा, रोज प्रणाम करते हुए इसको बोलिएगा जगन्नाथ जी को। जनरली क्या ठीक है, कृष्ण ही जगन्नाथ हैं, हाँ, लेकिन कृष्ण के रूप में है तो है कृष्ण करुणा सिंधु, जगन्नाथ के रूप में है तो जगन्नाथ का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। ठीक है, तो मेरे बात सब लोग बड़े प्रेम से बोलिए, जय देवा जगन्नाथ प्रपन्नार्ते विनाशनम त्राहि मां पुण्डरीकाच्छ पतितं भवसागर नमस्ते तो हलग्राम। ये बलराम जी का है, नमस्ते तो हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सल। सुभद्रा जी का, जय देवी भक्ति दात्री प्रसीद परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रेतम सर्वेषां भद्रदायिनी। सुदर्शन जी का, सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञान तिमिरांधस्य वैकुंठाब्द प्रदर्शक। देव देव जगन्नाथ, अभी उसका अर्थ सुन लीजिए। देव देव जगन्नाथ अर्थात जो देवों के देव है, ऐसे जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो कि सभी प्रकार के पाप को नाश करने वाले हैं। प्रपन्नार्ते विनाशनम, विनाश करने वाले हैं। त्राहिमाम पुण्डरीकाक्षम पतितम भवसागर, जो कि जो उनको प्रणाम करता है, जो उनके शरणागति को स्वीकार करता है, उसको भवसागर से पार करा देते हैं। ये है जगन्नाथ जी। नमस्ते तो हलग्राम नमस्ते मुसलायुध, मैं प्रणाम करता हूँ बलराम जी को, जो कि नमस्ते तो हलग्राम, जो हल को, उनका आयुध है हल को धारण करने वाले। नमस्ते तो हलग्राम नमस्ते मुसलायुध, मुसल को धारण, मुसल जानते हैं क्या होता है मुसल, है? गदा नहीं, ये मुझे मालूम था इसलिए मैं पूछा क्या होता है, हाँ? धान कूटने वाला, हाँ? समझ गए ना, उसको क्या बोलते हैं, मुसल बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं, और भी कुछ बोलते होंगे अलग अलग जगह, कौड़िया में कुछ और बोलते होंगे, हाँ? क्या जो भी आप समझ गए ना, नमस्ते तो हल को धारण करने वाले, नमस्ते मुसलायुध, उनका एक आयुध है, गदा भी है लेकिन आयुध है मुसल, मुसल को धारण करने वाले। ऐसे बलदेव जी, ऐसे बलराम जी, उनको प्रणाम करता हूँ जो नमस्ते तो नमस्ते रेवती कांता, जो रेवती मैया के पति हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, नमस्ते भक्त वत्सल, वो भक्तों को पालन करने वाले हैं, भक्तों को रक्षा करने वाले, ऐसे बलदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। सुभद्रा मैया, जय देवी भक्तिदात्री, हे सुभद्रा मैया, वहाँ पे कौन जप कर रहे हैं, माता जी जपमाला में से हाथ निकाल दीजिए, कथा श्रवण एक कार्य, या तो जप या तो कथा, हाँ? अगर जप करना है तो बाहर, हाँ? या कथा से दूर, अपराध होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, या तो जपा या तो कथा, दो कार्य एक साथ में नहीं, अपराध है। मैं थोड़ा इस मामलों में बहुत स्ट्रिक हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिसके लिए आप लोग आए हो ना वो लाभ मिले। क्या है, माया का प्रभाव इतना है ना कि पूछो मत, कब कहाँ किसको भटकाते भरोसा नहीं है। क्या कह रहा था, जय देवी भक्तिदात्री, मैं सुभद्रा मैया को प्रणाम करता हूँ जो कि भक्ति को प्रदान करने वाली है, भक्तिदात्री। हमको यही चाहिए ना, भक्ति चाहिए ना हमको, सुभद्रा मैया प्रणाम करने से प्राप्त होता है भक्ति। जय देवी भक्तिदात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रेतम, सभी प्रकार के अभद्र को नाश करती है, सभी प्रकार के भद्र को प्रदान करने वाली सुभद्रा मैया। सुभद्रा मैया कौन है, कृष्ण और बलराम, हाँ, जगन्नाथ और बलदेव की बहन है।
उसके बाद सुदर्शन, सुदर्शना महाज्वाला, सुदर्शना महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा। सुदर्शन के अंदर जो है कोटि कोटि सूर्य जो है समाहित है, या तो कहे सुदर्शन का एक किरण जो है ना वो करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है, ऐसा सुदर्शन है वो, कोटि सूर्य समप्रभा। और ये सुदर्शन को हम प्रणाम करते हैं जो कि अज्ञान तिमिरांधस्य, हम सभी अज्ञानता में हैं, अज्ञान को दूर करने वाला और ज्ञान को प्रकाश, ज्ञान जो है ज्ञान को प्रकाश करने वाला, प्रकाश में लाने वाले ये सुदर्शन जिनको हम प्रणाम करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, वैकुंठाब्द प्रदर्शक, ये सुदर्शन जो है वैकुंठ को प्रदान करने वाला ये सुदर्शन है, भगवान का सुदर्शन चक्र, भगवान का सुदर्शन चक्र। भगवान ने इस सुदर्शन चक्र को एक स्पेशल आदेश देके रखा है, पता है क्या है, सदैव मेरे भक्तों की रक्षा करना, और मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पूछना मत कि प्रभु मैं जाऊं, नहीं नहीं सीधा निकल जाना, मेरे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों भगवान ऐसा बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो, भगवान जो है भक्तों के अधीन है, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, भगवान भक्तों के अधीन है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है भक्त से कि अर्जुन के ड्राइवर बन गए, अर्जुन के ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए, भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए स्पेशल आदेश सुदर्शन को देके रखे हैं, जब भी मेरे भक्त संकट में होंगे तुम मेरा परमिशन मत मांगना, सीधा उनकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाना। एक भक्त कह रहे थे कि प्रभु हम संकट में आते तो सुदर्शन क्यों नहीं आता है मेरे पास हमको रक्षा करने के लिए। हमने उनको यही कहा, हमारा विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर इतना, अवश्य रक्षवे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, जगन्नाथ हमारी रक्षा करेंगे, बलदेव हमारी रक्षा करेंगे, ये हमको विश्वास नहीं है, वो विश्वास में कमी है कि कृष्ण हमारी रक्षा, अवश्य रक्षवे कृष्ण विश्वास पालन, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये हमको विश्वास नहीं है। सुदर्शन को भगवान ने आदेश दे के रखा हुआ है, और सुदर्शन देखता है कि वो भक्त संकट में है, सुदर्शन निकलता भी है रक्षा करने के लिए, लेकिन तब तक वो भक्त अपना दिमाग लगाता है, भगवान के ऊपर से विश्वास हटा लेता है, अपना हाथ पांव चराने लगता है, इसलिए सुदर्शन यू टर्न मार लेता है, जाने दो। एक ऐसा भक्त है जिसको भगवान के ऊपर ही विश्वास नहीं है। तो भगवान जो है अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और यही कारण है कि भगवान जो है प्रकट होते हैं। भगवान को जैसे कि आप सभी जानते हैं चार युग है, कौन कौन से युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जानते हैं ना सब लोग, चार युग है। हम कौन से युग में बैठे हैं, कलयुग में, सब जानते हैं चार युग। और भगवान हर एक युग में अलग अलग अवतार भगवान का होता है, सतयुग में भगवान का हंसा अवतार, नरसिंह अवतार खंभा फाड़ के प्रकट हुए ना सतयुग में, त्रेता युग में कौन आए, भगवान राम आए, द्वापर में कौन आए, कृष्ण आए, कलयुग में कौन आए, कल के अवतार अभी तो आने वाले हैं, अभी आएंगे कलयुग के अंत में आएंगे, जगन्नाथ जी, सब अलग अलग बोल रहे हैं, इसका मतलब कंफ्यूज है कि सब सही है। भगवान को कभी आपने नाम सुना है त्रियुगी, त्रियुगी नाम सुना है, भगवान का एक नाम है त्रियुगी, युग तो चार है, भगवान का त्रियुगी नाम क्यों पड़ा, चतुर्योगी होना चाहिए ना, चार युग है, हर युग में भगवान आते हैं, तो भगवान का त्रियुग करके नाम क्यों पड़ा, भगवान का त्रियुग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस युग में, इस कलयुग में भगवान तीन स्वरूप में प्रकट हुए हैं कलयुग में, इसलिए उनका नाम पड़ा त्रियुगी। अब तीन स्वरूप में क्या है वो, सबने सही सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे प्रथम भगवान इस कलयुग में किस रूप में अवतार धारण किए हैं,
कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, है ना, सुना है ना, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान किसके रूप में आए हैं? नाम के रूप में आए हैं, और स्वयं आकर ये नाम को प्रदान करके गए हैं। किसके रूप में आए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। कलयुग में भगवान नाम के रूप में आए, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इसलिए जब हम नाम का जप करते हैं ना, किसकी संगति करते हैं? भगवान की संगति करते हैं। भगवान कृष्ण हमारे जीवा पे डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, अगर हम उनके नाम को उच्चारण करते हैं, क्योंकि भगवान इस कलयुग में नाम के रूप में आए हैं। प्रथम। दूसरा, भगवान जो है भागवत में वर्णन है, भागवत में ऋषि मुनियों के 6 प्रश्न, उन 6 प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी का पूरा भागवत कहना। उन 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न था ऋषि मुनियों का कि भगवान जब प्रकट रूप में लीला कर रहे थे तो धर्म का रक्षा कर रहे थे, धर्म का संरक्षण कर रहे थे, जैसे ही भगवान लीला करके जब जो है अप्रकट हुए, लीला करके अपने धाम में गए, तो उस समय धर्म किसकी शरण में गया? तो उस समय सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उस समय धर्म भागवत के शरण में गया, क्योंकि भगवान लीला करके अप्रकट हुए, लीला करके अपने धाम में गए, लेकिन स्वयं जो है उनका ही वांगमयी स्वरूप भागवत को छोड़ कर गए। इसलिए भागवत जो है और कोई नहीं, स्वयं भगवान है। भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ग्रंथ के रूप में जो है भगवान स्वयं प्रकट होकर जो है लीला समाप्त करके स्वयं अप्रकट हुए। तो कलयुग में भगवान का दूसरा अवतार कौन सा? भागवत के रूप में। अब तीसरा अवतार नाम के रूप में प्रकट हुए, भागवत के रूप में प्रकट हुए, लेकिन तीसरा अवतार जो है भगवान का, वो है स्वयं भगवान का चतुर्थ स्वरूप जो है जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा विग्रह के रूप में। भगवान स्वयं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में प्रकट होते हैं इस कलयुग में। जिस देखिए, कृष्ण के लिए एक बार पास टाइम लगा, कृष्ण प्रकट हुए थे द्वापर में। जैसे मैंने पूछा ना, द्वापर में कौन था? आप लोगों ने तुरंत कहा कृष्ण। त्रेता में कौन? राम। सतयुग में कौन? नरसिंह। तुरंत कहे ना, तो पास्ट हो गया ना, एक बार लगा सकते हैं कृष्ण के। वैसे है नहीं, कहीं ना कहीं लीला तो चलती है, लेकिन एक बार पास्ट लगा सकते हैं कि कृष्ण द्वापर में आए, त्रेता में राम आए। लेकिन अगर कलयुग में अगर बात करना है कि इस युग में प्रकट रूप में इस समय हमारे साथ आदान प्रदान करने के लिए कौन है, तो है स्वयं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। कभी करके देख लीजिए आदान प्रदान के साथ, प्रत्यक्ष रूप में भगवान इस कलयुग में इस स्वरूप में आकर कलयुग के ऊपर विशेष कृपा करने के लिए स्वरूप में आए। जब भगवान प्रकट होते हैं ना, अच्छा भगवान क्यों प्रकट होते हैं? भगवान क्यों प्रकट होते हैं? भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा, सबको याद है, मुझे मालूम है, लेकिन यही एक ही याद है, दूसरा नहीं याद होगा, वो भी मालूम है। जब जब धर्म का हानि होता है उसमें परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम भगवान प्रकट होते हैं। देखिए, असुरों का वध करना हुआ, धर्म की स्थापना करना हुआ, ये सब जितने भी कारण है ना, मैं आपको एक गुह्य बात बताता हूं, ये सब कारण भगवान के प्रकट होने का सेकेंडरी कारण है, दूसरा कारण है। भगवान को प्रकट होने का प्रथम कारण कुछ और है। देखिए, भगवान को अधर्म धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होने की जरूरत है, असुरों को मारने के लिए भगवान को प्रकट होने की जरूरत है, बैठे बैठे उनके शक्तियों से असुर, अरे हवा को रोक देंगे बल्क में, एक साथ में सब लोग समाप्त, सांस को रोक दे, अटैक, हार्ट अटैक आया, खत्म, आने की जरूरत है भगवान को? असुरों को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत ही नहीं है,
भगवान तो अपने धाम में बैठे उनके भागवत में वर्णन है कि भगवान के भ्रकुटी भंग मात्र से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। तो कोई एक छोटे मोटे असुर को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत है? नहीं। धर्म की रक्षा अधर्म की को नाश करने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। भगवान तो किसी भक्त को भेजकर एक कार्य कर। अच्छा सही बताइए, थोड़ा सा अगर विचार करेंगे आप लोग, इस्कॉन से जुड़े हुए भक्तगण हैं, भगवान आए इस कलयुग में भी, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, कितना धर्म की स्थापना किया बताइए? कलकत्ता में, मायापुर में, फिर भ्रमण करने निकले थे दक्षिण भारत में, कितना धर्म की स्थापना किए। लेकिन धन्य है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो कि पूरे विश्व को नचा कर रखा। कितना धर्म की स्थापना, तुलना करिए, भगवान ने धर्म की ज्यादा स्थापना किया या ऐसे संत धर्म की स्थापना करते हैं बताइए? जो कार्य भगवान नहीं कर सकते वो कार्य ऐसे बड़े बड़े महापुरुष आचार्य कर देते हैं। इसलिए भगवान भक्तों से धर्म की स्थापना करा सकते, भगवान को आने की जरूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान क्यों आते हैं, प्रश्न उठ गया ना? सच में ये बात तो सही है कि भगवान को आने की जरूरत नहीं है धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों को मारने के लिए, तो भगवान क्यों आते हैं? तो इसका एकमात्र कारण है भगवान केवल और केवल अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ही आते हैं। केवल और केवल प्रेम का आदान प्रदान, भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान। इसलिए कर लीजिएगा प्रेम का आदान प्रदान, भगवान इसलिए प्रकट हुए हैं। ये स्वरूप, विशेष स्वरूप जो है भगवान जगन्नाथ जी का ना, एक कलयुग का स्वरूप है, कलयुग के विग्रह है। आज भी जगन्नाथ जी के साथ आप जितना भी प्रेम के व्यवहार बनाएंगे भगवान उसी प्रकार से, वैसे गीता में भगवान ने क्या दिया है, ए था माम प्रपद्यंते ताम सतैव जजामि अहम्। जो जिस भाव से मेरे साथ भक्ति, मेरा भक्ति करता है, मैं उसके साथ उसी प्रकार से आदान प्रदान करता हूँ, उसी प्रकार से आदान प्रदान करता हूँ। तो भाव से अगर आप जो है जगन्नाथ जी के साथ प्रेम का आदान प्रदान करेंगे तो भगवान इसीलिए आए हुए भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। तो भगवान केवल और केवल भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आए हैं, और भक्तों की रक्षा, भक्तों को आनंद देना, ये सब जो है भगवान का प्रथम कारण है उनका प्रकट होने का। भगवान प्रकट हुए उसमें कहीं ना कहीं भक्तों का हाथ है, तब भगवान प्रकट हुए। भक्तों के लिए आए ना भगवान, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आए। भगवान प्रकट हुए मतलब भक्तों का हाथ है। तो एक प्रश्न उठ सकता है, कभी कभी बच्चे जब दर्शन करते हैं ना जगन्नाथ जी का, तो बोलते हैं मम्मी मम्मी देखो कार्टून कार्टून है? कभी कभी लोग नए आते पूछते हैं कि कृष्ण जी, अगर कृष्ण ही जगन्नाथ है, ये स्वरूप में आने की क्या जरूरत था, इतने अच्छे खासे कृष्ण, कितना सुंदर दिखते हैं, अच्छा खासा, कितना मनमोहक मुरली वाला इत्यादि इत्यादि, ये जगन्नाथ के स्वरूप में क्यों आ गए, जिनके आधा हाथ है, पलक भी नहीं है, इस प्रकार का स्वरूप है, कभी कभी प्रश्न उठता है। भगवान इस स्वरूप में कैसे प्रकट हुए? तो भगवान प्रकट होने के पीछे कौन कारण है? उनके भक्त कारण है। तो इस स्वरूप में आए उसके कारण भी कौन है? भक्त ही कारण है। आइए भगवान का स्वरूप, ये स्वरूप, इस रूप में भगवान ने अपने भक्तों को ही कमिट किया, ऐसे अनेक भक्तों को कमिट किया, अनेक भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान जो है स्वयं इस स्वरूप में आए। आइए एक भक्त, नाम नहीं गिनाऊंगा नहीं तो आप लोग बाद में बोलेंगे उसका भी सुना दो, उसका सुना दो, तो पूरी रात निकल जाएगा। इसलिए जितना एक दो भक्तों का जिसके साथ भगवान ने आदान प्रदान करके ऐसे स्वरूप में प्रकट हुए उनकी कथाओं को हम श्रवण करते हैं। भक्तों के साथ आदान प्रदान, कैसे भगवान इस स्वरूप में प्रकट हुए? भगवान ने स्वयं जो है ये ब्रह्मा जी को कमिट किया कि मैं कलयुग में आपका जब भी 50 साल पूरा होगा, 50 साल के बाद मैं इस स्वरूप में प्रकट होऊंगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में प्रकट होऊंगा। कथा कुछ इस प्रकार से है, ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता है। एक दिन सोच रहे थे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी हमारे परम पिता है, हमारे पिता है ना ब्रह्मा जी। देखिए दो प्रकार की सृष्टि है, एक सर्ग की सृष्टि है, दूसरा विसर्ग की सृष्टि है।
सर्ग की सृष्टि स्वयं भगवान करते हैं और विसर्ग की सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। हम जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान कुछ तत्वों को प्रकट करते हैं। जैसे पंखा चल रहा है ना, किसी ने अलग अलग पार्ट को बनाया, किसी ने स्क्रू बनाया, किसी ने ब्लेड बनाया, किसी ने उसमें वायर का लगाया, अलग अलग पार्ट थे ना, अलग अलग पार्ट को जो अलग अलग लोगों ने बनाया और उसको इंजीनियर लेके क्या करता है, उसको असेंबल करता है, ठीक है, और उसके बाद ये चलता है। तो भगवान जो है, भगवान की जो सर्ग सृष्टि है, भगवान जो है अनेक तत्वों को उत्पन्न करते हैं, अनेक पार्ट को उत्पन्न करते हैं, इसको सर्ग सृष्टि कहा गया है। डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, मुझे मालूम है कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे इन सारी चीजों को। सर्ग की सृष्टि भगवान करते हैं, अर्थात अनेक तत्वों को, छोटे छोटे तत्व जो अनेक तत्वों का जो है रचना भगवान करते हैं। अब जो है उन्हीं तत्वों को लेकर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। वो दूसरी सृष्टि है, वो कौन सा सृष्टि है, विसर्ग की सृष्टि है। तो ब्रह्मा जी विसर्ग की सृष्टि करते हैं, मतलब ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंदर हम सब आते हैं। हमारी सृष्टि भी कौन किया? ब्रह्मा जी ने किया, ये उनकी सेवा, भगवान ने सेवा दिया है। तो ब्रह्मा जी एक दिन सोच रहे थे कि जो है कलयुग में जीव कितना परेशान है, पुनरपि जननम पुनरपि मनरम पुनरपि जननी जठरे शरणम यह संसारे है दुखाले। ये संसार कितना दुखमय है, इस संसार में जीव कितना तड़प रहे, कितना दुखी है, बार बार मरते हैं, कभी कुत्ता बनते हैं, कभी बिल्ली बनते, कभी घोड़ा बनते, कभी सुअर बनते, क्या क्या बनते हैं, 84 लाख योनियां है। एते ब्रह्मांड भरे अनेक अनंत जीवगण, 84 लक्षत्र जीव करे भ्रमण। 84 लाख प्रकार की योनियां है और ये जीव उन सारे योनियों में क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, कर्मों के अनुसार भ्रमण कर रहा है। कभी कुत्ता बन रहा है, कभी बिल्ली बन रहा है, कभी गधा बन रहा है, कभी सुअर बन रहा है, कुछ करते कर, लेकिन बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, हमको मानुष्य जीवन मिल गया है। अब ये मनुष्य जीवन, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। अब ये मनुष्य जीवन मिला है, बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा। अब ये मनुष्य जीवन का अगर सही उपयोग किया तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है जंक्शन के समान है। जंक्शन मतलब समझते हो, जंक्शन वो स्थान होता है जहां से सभी चारों दिशाओं के लिए ट्रेन जाती है, वापी जंक्शन नहीं है। जंक्शन कहाँ है? सूरत जंक्शन है, मुंबई जंक्शन है। जंक्शन वो स्थान होता है जहां से सभी जगह के लिए ट्रेन जाती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, मनुष्य देह उस जंक्शन के समान है। अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको वापस गधा बनना है, वापस कुत्ता बनना है, या फिर ये मनुष्य ये सारे 84 की उन्हों से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाना है, भगवान की सेवा करना है। ये डिसीजन हमारे हाथ में है, वो हमको तय करना है, हमको क्या करना है। तो ब्रह्मा जी ये देखे कि मेरे सृष्टि जो मैं कर रहा हूं, ये जीव बेचारे कितने तड़प रहे हैं, 84 की योनियों में बड़ा दुख उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब बहुत हो गया, मुझसे ये दुख देखा नहीं जा रहा है। उन्होंने सोचा मैं तपस्या करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा और भगवान से निवेदन करूंगा, प्रभु बस हो गया, हम सारे जीव को एक साथ में बल्क में सबको अपने धाम में लेके जाइए, अपने सेवा में लगाइए। ब्रह्मा जी ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। किसके लिए? हम सभी के लिए। तपस्या करना प्रारंभ किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान प्रकट होने ही वाले थे, लेकिन उधर जो है यमराज जी जो है उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या का उद्देश्य क्या है? सभी को एक साथ में भगवत धाम भेजना, सबको भगवान की सेवा में लगाना। ये जितने भी 84 की योनियां है सब कुछ खत्म करके सबको बल्क में एक साथ में भगवान के धाम भेजना। यमराज जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी अगर ऐसा करेंगे तो मेरा तो धंधा बंद मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। यमराज जी कोई साधारण नहीं भक्तों, यमराज जी का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि बहुत क्रूर होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, यमराज जी वो है जो एक महाजन है। महाजन, महाजन 12 महाजन है, भागवत में वर्णन है। शंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद विष्णु जनको विष्णु बलिद वैया सकिर वयम, ये स्वयं श्लोक यमराज जी कहते हैं। इसलिए वयम, मैं भी,
बारह लोग, बारह महाजन हैं जिनके पद चिन्हों में, चरण चिन्हों में जो उन्होंने बताया, चलते हुए हमको क्या करना है, भक्ति करना। उसमें से एक बारह महाजनों में से जो महान भक्त है भगवान को, जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे महाजन भक्तों में से एक भक्त हैं यमराज जी। ये तो जीवों को दुख देना, नरक में यातना उनको ये करना, कर्मों के अनुसार ये सब उनकी सेवा है। ये सेवा के रूप में यमराज जी करते हैं। तो उनको लगा कि ब्रह्मा जी ये कार्य कर देंगे तो मैं तो सेवा से वंचित हो जाएगा। और एक भक्त के लिए सबसे बड़ा अगर दुख का समय कोई होता है, जब उसके हाथ से भगवान की सेवा निकल जाती है, ये सबसे बड़ा दुख का समय होता है। इसलिए भक्तों, सेवा मिलती है ना, उसको इम्पोर्टेंस दे दीजिएगा, उसको कभी छोड़िएगा मत, क्योंकि सेवा छूटना सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा। यमराज जी सोच रहे हैं कि अगर इस प्रकार से अगर ये वर प्राप्त कर लिए तो सबके सब चले जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, मेरा सेवा छिन जाएगा। उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया और उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया और भगवान को प्रकट प्रसन्न किया। भगवान प्रकट हुए, यमराज जी बोले कि प्रभु आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप इतने महान हैं, आप बताइए क्या चाहिए, आपको निवेदन करने की जरूरत नहीं, जो चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार है। बोले नहीं, आप पहले प्रॉमिस करिए। भगवान से उन्होंने प्रॉमिस लिया, पहले प्रॉमिस करिए जो मैं मांगूंगा आप देंगे। बोले यमराज जी आप जो कुछ भी मांगेंगे हम देंगे, बताइए आपको क्या चाहिए। हालांकि देखिए ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, अब उनका तपस्या पूर्ण होने वाला है, बहुत जल्दी आप उनके पास प्रकट होंगे और वो आपको मांगेंगे, ऐसा ऐसा मांगेंगे, आप दीजिएगा मत, मेरा तो सेवा चला जाएगा। और वैसे भी आपकी सृष्टि की रचना है, ये सब सृष्टि की रचना उथल पुथल हो जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने, यमराज जी ने निवेदन किया भगवान के पास। भगवान ने यमराज जी को कहा कि हमने आपको प्रॉमिस कर दिया है, तो कोई बात नहीं, हम बीच का रास्ता निकालेंगे, आपकी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे और ब्रह्मा जी जो चाह रहे हैं उनका भी पूर्ण होगा। भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने अपना निवेदन किया कि इन सारे जो है जीवों का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, प्रभु सबको अपने धाम में लेके जाइए, अपने सेवा में लगाइए, बस हो गया। उस समय यमराज के ने जो प्रस्ताव दिया, जो निवेदन किया भगवान को, उसको ध्यान में रखते हुए भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी आपका निश्चित रूप से ये मनोरथ मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा। आपका जब ये जीवन का 50 साल पूरा हो जाएगा, आपके परार्ध ब्रह्मा जी का 100 साल, ब्रह्मा जी कितने साल जीते हैं, हम कितने साल जीते हैं, कोई बोलता ही नहीं सबको मालूम है कि कलयुग में 100 साल जीते हैं, लेकिन कोई नहीं जी रहा है क्यों नहीं जी रहा है, ऐसी लाइफ स्टाइल बना लिया, कौन बोला लाइफ स्टाइल ऐसी बनाने के लिए है? सारी संस्कृति का सत्यानाश कर दिया है? संस्कृति का सत्यानाश किया, विदेशी कल्चर अपनाया, सब कुछ हेल्थ गया, सब कुछ गया। होते थे 50 साल पहले जाइए, हॉस्पिटल कितने हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे, आयुर्वेद हुआ करता था, 100 साल जीते थे, लेकिन आज घर घर के नीचे क्लिनिक है, घर घर के नीचे हॉस्पिटल है, क्यों? हमने अपनी संस्कृति को समाप्त कर दिया, विदेशी कल्चर को लाया, अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, गौ माता को घर से बाहर निकाल दिया, यही हालत है। अभी अभी मैं गौ माता के ऊपर को बोलूंगा, इसलिए मैं ज्यादा जाऊंगा, नहीं तो पता नहीं किधर निकल जाऊंगा। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, ब्रह्मा जी का उम्र जो है 100 साल है, ठीक है। भगवान ने उनको प्रॉमिस दिया, उनको कहा कि आपका 50 साल पूरा होने के बाद आपका परार्ध में, परार्ध ब्रह्मा जी के पूरा 100 साल को परा कहते हैं, हम भी 100 साल जीते, ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, लेकिन अंतर बहुत है। अंतर मालूम है आप लोग को कितना है हमारे और ब्रह्मा जी में? 4 युगों का नाम सुना ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ठीक है, 4 युग। कलयुग कितने साल का है? 4,32,000, ठीक। उसके बाद द्वापर कितना है, उसमें 4,32 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 8,64, ठीक है। अब हो गया त्रेता, त्रेता में और 4,32 ऐड कर दीजिए, कितना हुआ, मेरा गणित गड़बड़ है, हम फेल हो गए गणित में, कितना हुआ, 12,96। अब 12,96 और 4,32 ऐड कर दीजिए, वो सतयुग का आयु है, कितना हुआ, 17 के आसपास हो गया, ठीक है, मान लीजिए 17,
चार युग सबके एज लिमिट पता हो गया, कलयुग का कितना एज है, द्वापर का कितना है, सतयुग का कितना है, त्रेता का कितना पता चल गया। मैं ब्रह्मा जी का उम्र बता रहा हूं, चार युग जब 72 बार रोटेशन होता है, कितना, चार युग जब 72 बार रोटेशन होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं तो कैलकुलेशन लगा लीजिए, और मिल जाएगा कैलकुलेशन तो मुझे बताइएगा थोड़ा, क्योंकि हम आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये ब्रह्मा जी का उम्र है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि आपका 50 साल पूरा होने के बाद आपके प्रारब्ध अर्थात 91 साल में जो है 51 में मैं अपने चतुर्भुज विग्रह के रूप में प्रकट होऊंगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में मेरा प्राकट्य होगा। और उस समय ब्रह्मा जी मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपने जो मनोकामना किया उस समय मैं पूरी क्षेत्र पूरी धाम पंचकोशी धाम पंचकोश की परिक्रमा लगती है पूरी की, उस धाम में मैं नीलाचल में निवास करूंगा। और जो लोग भी मेरे इस स्वरूप का दर्शन करेंगे, मेरे उस धाम में आके दर्शन करेंगे, निश्चित रूप से वो इस 84 के चक्कर से मुक्त होकर वो हमेशा के लिए भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। कितना सौभाग्य है ना हम सभी का कि भगवान ने इस स्वरूप धारण किया ताकि हम ये 84 के चक्कर से मुक्त हो जाए और भगवान की सेवा में परमानेंटली चला जाए। तब भक्त को भगवान ने कहा इसलिए इस स्वरूप में आए, कौन, ब्रह्मा जी को। अभी एक भक्त के साथ और आदान प्रदान सुन लीजिए, फिर समाप्त करेंगे, शायद तब तक आपका टाइम हो जाएगा जो टाइम दिया है आपने। भगवान इस स्वरूप में आए जो है नारद मुनि के साथ आदान प्रदान, नारद मुनि के साथ। भगवान देखिए बड़े कृपालु हैं, भगवान जो है ना अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए कुछ भी करते हैं। पितामह भीष्म ने मृत्यु के समय भगवान को सामने रखते हुए प्रार्थना किया ना, भीष्म स्तुति के रूप में सामने खड़ा किया कृष्ण को और स्तुति किया, बड़ा सुंदर स्तुति करते करते वो अपने देह को त्यागे। इसलिए ये जो मृत्यु विजय उत्सव हुआ कि मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त किया पितामह भीष्म ने, जब तक भगवान सामने नहीं आए तब तक शरीर नहीं छोड़ा। हाँ देखिए ना, उनका जिद था, आएगा तो छोड़ूंगा, नहीं तो मृत्यु तो हाथ में लिखा हुआ था। अब सोचिए, विचार करिए कि जिसके शरीर में छिद्र इतने छिद्र हो चुके हैं, इतने वाण लग चुके हैं कि अब एक सुई की नोक भी नहीं घुसाया जा सकता है, कितना कष्ट होगा भक्तों, उनके कितना शरीर का कष्ट होता है ना, थोड़ा से चाकू लग गया, ओ प्रभु जी जपा नहीं हो रहा है, वो थोड़ा चाकू लग गया, थोड़ा पिन लग गया, कुछ हो गया, तो कितना दर्द होता है। सोचिए पितामह भीष्म का दर्द कितना होगा, और मृत्यु उनके हाथ में था, जब चाहिए था तब शरीर छोड़ सकते थे। जब यही होता है ना, कष्ट होता है बहुत तो व्यक्ति को लगता है इससे अच्छा मर जाए, यही होता है ना। पितामह भीष्म ने कभी नहीं सोचा इससे अच्छा मर जाए, उनके हाथ में था जबकि मरना, जब चाहे इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पिताजी से, जब चाहते तब मर सकते थे, लेकिन फिर भी इंतजार किया। महाभारत का युद्ध के 10वें दिन एक गंगा पुत्र गिरा और 18 दिन तक युद्ध चला, और उसके बाद भी वो इंतजार किया, कितना, 52, कौन कहा, यस 52, 52 दिन उन्होंने शरीर छोड़ा जब भगवान सामने आए, भगवान सामने आए, स्तुति करते हुए उन्होंने अनेक प्रकार के, मैं एक क्यों स्मरण आ गया पता है, भगवान जो है भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, उसके लिए ही आते हैं, केवल भक्त के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। पितामह भीष्म ने अनेक बातों को पोल खोला कृष्ण को सामने रखकर, कृष्ण की स्तुति उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए अनेक बातों को कहा, और कह रहे हैं कि आप इतने प्रभु इतने भक्तवत्सल है, आपने भक्तवत्सलता का प्रमाण दिया कि किस प्रकार से आप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे मैं देख रहा था आप तो एक तो भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं आपने अर्जुन के रथ का बागडोर संभाल लिया, ड्राइवर बन गए, किसके लिए, भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए ड्राइवर बोलते हैं ना,
कितना कितनी इज्जत है ड्राइवर की, ड्राइवर लोग की कुछ इज्जत है नहीं इज्जत है। वो अर्जुन जब रथ चलाता था ना, टाइम थोड़ी ना मिलता था इधर चलो उधर बोलने का भी टाइम नहीं मिलता था। जब राइट चलना होता था राइट पैर कृष्ण के पीठ में मारता, राइट साइड में मारता था तो राइट जाते थे, लेफ्ट जाना होता था लेफ्ट मारता था लेफ्ट जाते थे। देखिए ये भक्त वत्सलता, देखिए इसलिए तो चुना था अर्जुन कृष्ण को। जब ये युद्ध तय हुआ ना, जब युद्ध तय हुआ तो उस समय जो है युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा कि जाओ कृष्ण का मदद लेकर आओ, अब तो युद्ध तय हो गया, पक्का हो गया, होने ही वाला है। अर्जुन को भेजे और शकुनी ने भी किसको भेजा, दुर्योधन को भेजा, बोला जाओ द्वारकाधीश का मदद लेके आओ, युद्ध हो तय हो चुका है, जाओ जाके मदद मांग के आओ। पहले दुर्योधन पहुंचा, दुर्योधन पहुंचा, द्वारकाधीश जो है शयन कक्ष में शयन कर रहे थे, सोए हुए थे। जब सोए हुए तो क्या किया, ठीक है जगेंगे तभी निवेदन करूंगा, तो कृष्ण के सिर पे जाकर बैठ गया, कुर्सी लगी थी उधर बैठ गया। बाद में अर्जुन आया, अर्जुन भी देखा कि कृष्ण सोए है द्वारकाधीश, अब तो भक्त है, भक्त का स्वभाव है भगवान के चरणों को, चरणों में बैठना। अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गया। अब भगवान उठे तो किसको देखे पहले, अर्जुन को देखे। ये जो मंगल आरती में आने वाले भक्त पागल नहीं है भक्तों, नींद खराब करके मंगल आरती में आते हैं जो भक्त, भगवान जब प्रथम जब ही उठते हैं ना, तो जो भक्त उनके सामने आया, भगवान की दृष्टि पड़ी, निश्चित रूप से उस भक्त का जीवन सफल हो जाता है। अर्जुन भले से बाद में आया था लेकिन भगवान के चरणों में था, भगवान जब उठे सबसे पहले अर्जुन को देखा, बोला अर्जुन तुम क्या बात है, तब तक पीछे से आवाज आया मैं भी आया हूं। अच्छा दुर्योधन तुम, अच्छा तुम भी आए हो, कृष्ण तो ये सब करने में बहुत चलाक है। अर्जुन ने बोला, कृष्ण ने कहा कि अर्जुन बताओ कि क्या क्या प्रयोजन, निश्चित रूप से कुछ प्रयोजन होगा इस प्रकार का आना। दुर्योधन बोल रहा मैं पहले आया हूं। बोला ठीक है कोई बात नहीं है, तुम भी पहले, तुमको भी मौका मिलेगा, तुमसे छोटा है, छोटे को पहले मौका दो। अब ये उथल पुथल हो रहा है, दुर्योधन तो आया था भगवान की सेना को मांगने के लिए, नारायणी सेना मांगने के लिए आया था, उसके मन में बड़ा उथल पुथल चल रहा है, कहीं अर्जुन मांग न ले, मैं पहले आया तो गड़बड़ा गया मामला। कृष्ण ने अर्जुन को चांस दिया, अर्जुन ने कहा कि प्रभु, अर्जुन कृष्ण ने कहा कि देखो, अर्जुन ने निवेदन किया कि प्रभु युद्ध तय हो चुका है, अब मुझे आपकी मदद चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि आप जो है हमारी मदद करो। कृष्ण ने कहा कि मैं मदद कर सकता हूं, देखो एक तरफ मैं स्वयं रहूंगा और एक तरफ मेरी, हाँ एक तो मैं स्वयं रहूंगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना, अभी चॉइस करो कि मेरी नारायणी सेना चाहिए या मैं चाहिए। और ये भी निवेदन किया, ये भी बोला कि मैं जिस जगह पे रहूंगा मैं कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल निहत्ता। अर्जुन को मौका मिला था चुनाव करने का, अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप चाहिए मुझे, आप मेरे साथ रहिए, क्योंकि अगर आप मेरे साथ में हैं तो ये अर्जुन महादेव के ऊपर भी विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम है। आप मुझे, आप चाहिए, भक्त को भगवान चाहिए, भगवान की संपत्ति नहीं चाहिए। हम क्या करते आगे, अनेक प्रकार की संपत्ति मांगते, लिस्ट मांगते पूरा, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हर, यही करते ना। लेकिन बुद्धिमान भक्त वो है जो भगवान के पास आकर भगवान से भगवान को मांगता है, उनके प्रेम को मांगता है, ये बुद्धिमान भक्त है। वृंदावन के एक संत कहते हैं प्रभु आपका दर्शन करते करते कभी मेरी मति खराब हो जाए, अगर मैं कुछ लिस्ट विस्ट सुनाने लगूं कि मुझे ये दे दो तो आप दीजिएगा मत, ये प्रार्थना करते हो, क्या प्रार्थना करते हैं, आपका दर्शन करते समय मेरी मति कभी खराब हो गई कि मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं तो आप दीजिएगा मत मुझे, क्योंकि मैंने आपसे प्रेम किया हूं और प्रेम के बदले में मुझे प्रेम चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए।
सच्चा प्रेमी वो होता है जो प्रेम के बदले प्रेम चाहता है। अर्जुन ने मांग लिया कृष्ण को, कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अभी भी मौका है, एक तरफ मेरी नारायणी सेना, दूसरे तरफ मैं, वो भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अभी भी विचार करो। दुर्योधन बोलता प्रभु दीजिए उसको, जाने दीजिए, अभी मेरा टाइम आ गया। बस अर्जुन टिके रहा, बोला कि नहीं प्रभु। इधर जो है कृष्ण ने, अब तो इसको मिल ही गया ना, अब तो उसने अर्जुन ने कृष्ण को मांगा, दुर्योधन को तो मिल ही गया, अब दुर्योधन को नारायणी सेना दे दिए। अब दुर्योधन तो बड़ा नाचते हुए कूदते हुए निकल कर जो है गया, बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान की नारायणी सेना मिल गई, नारायणी सेना मिल गई, नारायणी सेना मिल गई, अपना खुशी व्यक्त किया। जाकर शकुनी के, शकुनी बोला तुर जैसा मूर्ख कोई नहीं है, वो भी जानता था शकुनी भी जानता था कि जिसके तरफ कृष्ण है वही किसी की विजय होने वाली है। बड़ा गुस्सा किया शकुनी ने दुर्योधन के ऊपर, मूर्ख क्या मांग के लेकर आ गया। इधर जो दुर्योधन चला गया ना, दुर्योधन जब चला गया तो उस समय अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन युधिष्ठिर ने तुमको यही खोटी का सौदा करने के लिए भेजा था, है? क्या किया तुमने? अरे नारायणी सेना लेकर गया होता, ऐसे भी तुम्हारी सेना संख्या कम है और उसमें हमारी अगर नारायणी सेना मिल जाती तो थोड़ा तुमको मदद हो जाता, मुझे क्यों चुना? कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन हार तेरी निश्चित होगी हाँ, भक्त और भगवान का आदान प्रदान देखिए। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन हार तेरी निश्चित होगी। क्यों भाई, हार मेरी क्यों निश्चित होगी? क्योंकि माखन जो है दुर्योधन ले गया और छाछ तुम्हारे पास बचा है। हार तेरी निश्चित होगी और तू रहेगा सदा उदास, क्योंकि माखन दुर्योधन ले गया मांग के और छाछ बची तेरे पास। अर्जुन भी कम थोड़ी ना है, जवाई है ना अर्जुन द्वारिका का वो भी थोड़ी कम है। बोला प्रभु गलत स्टेटमेंट, आप मेरे सामने स्टेटमेंट न दीजिए। अर्जुन कह रहा है कि प्रभु आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो ना गलत है पूरा, जीत मेरी ही होगी। इसको यहां तक विश्वास था, देखिए अवश्य रचवे कृष्ण विश्वास पालन है, अभी मैंने बात किया, उसको यहां तक विश्वास था। कृष्ण यहां बोल रहे हैं कि हार तेरी निश्चित होगी, ये क्या बोल रहा है, जीत मेरी ही होगी, क्योंकि कृष्ण भक्त कभी होता नहीं उदास, कभी नहीं होता उदास। और आप बोल रहे हो कि माखन दुर्योधन ले गया, माखन दुर्योधन ले गया कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास माखन चोर है, माखन का ढेगला कर देगा, इसलिए मेरा डिसीजन जो है आपको सेलेक्ट करने का ये रॉन्ग नहीं है प्रभु। पितामह भीष्म देखते हुए कर ये सब याद कर रहे हैं पितामह भीष्म, कृष्ण सामने खड़े, मैं देख रहा था प्रभु कि आप जो है रथ के ऊपर ऐसे बैठे हुए थे जैसे कुटुंब की रक्षा कर रहे हो, अर्जुन को अपना, उस रथ को अर्जुन का अपना कुटुंब मान लिया और उसको इस प्रकार से रक्षा कर रहे हो जैसे एक पति अपने पत्नी अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, कुछ भी करते थे आप। कभी अर्जुन तो मारा जाता, कभी रथ को इधर ले जाते उधर ले जाते, अर्जुन को बचाते रहते आप, जैसे एक परिवार का पालन पोषण करने वाला पति अपने परिवार का पालन पोषण करने के कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं प्रबल भक्त के पाले पढ़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, प्रबल भक्त के पाले पढ़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये है भगवान, कुछ भी देखिए, प्रतिज्ञा लिया था ना अर्जुन को, क्या कहा था, शस्त्र नहीं चलाऊंगा, समय आया तो चक्का उठाया ना, तोड़ दिया प्रतिज्ञा। अरे आपका प्रतिज्ञा था, प्रतिज्ञा खाड़ी में जा, मेरे भक्त की रक्षा करना है मुझे, भले से मेरा प्रबल भक्त के पाले पढ़कर प्रभु के नियम बदल गया, अपना मान, लोग गाली देंगे ना सब स्वीकार है, अपना मान टले टल जाए लेकिन मेरे भक्त की प्राण की रक्षा होना चाहिए। उस समय अर्जुन के प्राण की रक्षा करने के लिए और पितामह भीष्म की भी प्रतिज्ञा थी, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया और भक्त के, एक भक्त के प्रतिज्ञा की रक्षा किया और दूसरे, क्योंकि प्रतिज्ञा क्या था भीष्म पितामह का कि दसम दिन के युद्ध में पांडवों में से किसी एक को मार डालूंगा, ये प्रतिज्ञा लिया था उन्होंने।
लेकिन उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा किया, इस भक्त के प्रतिज्ञा की रक्षा किया, और अर्जुन के जैसे भक्त के प्राण की रक्षा करते हुए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया। भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी घटना द्वारिका में घटित हुई कि नारद मुनि एक दिन द्वारिका पहुंचे। नारद मुनि कौन है? भ्रमण करते रहते हैं। भ्रमण करते करते वो द्वारिका अक्सर जाया करते थे, और द्वारिका में जाकर बड़ा सुकून उनको मिलता था और बहुत समय निकालते थे। देखिए, नारद मुनि एक स्थान पे दो घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते, क्योंकि उनको दक्ष प्रजापति का श्राप हो गया है, श्राप लग गया है, वो भी लंबी कथा है, उधर नहीं जाएंगे, लेकिन श्राप मिला है, वो रुक नहीं सकते एक स्थान पे। लेकिन द्वारिका में श्राप काम नहीं आता था, इसलिए द्वारिका में जाके बड़ा उस धाम में, क्योंकि श्राप धाम में, श्राप का प्रभाव धाम में नहीं रहता है, तो धाम में जैसे ही द्वारिका में पहुंचते थे नारद मुनि, बड़ा सुकून मिलता था उनको, बहुत सुकून मिलता था। और भगवान की गृहस्थी को देखते थे नारद मुनि, 16108 पटरानियां, और किस प्रकार से भगवान का बड़ा सुंदर गृहस्थी, एक आदर्श गृहस्थी प्रस्तुत किया भगवान स्वयं ने द्वारिका लीला में। पढ़िएगा द्वारिका लीला। नारद मुनि द्वारिका अक्सर जाया करते थे, लेकिन कृष्ण की इतनी पटरानियां थी, 16108 पटरानियां थी, उन पटरानियों ने ये देखते थे कि कृष्ण दिन भर तो सुधर्मा सभा इत्यादि में जो है, जो भी राजा का कार्य इत्यादि करते थे सबके, लेकिन रात्रि के समय जब अपने महल में आते थे 16108 पटरानियां, तो 16108 महल, उतने, और सबके साथ भगवान रहते थे, क्या होता था? सुधर्मा सभा से जब भगवान आते थे, जब भगवान आते थे, आते आते 16108 में विभाजित होते थे और सबके पास चले जाते थे, और जब निकलते थे सुबह सुधर्मा सभा के लिए, तो 16108 एक कृष्ण जाते थे। ये तो सबको प्रसन्न करने के लिए बेड़ा लिया है, इसलिए तो इनका नाम पड़ा है रसिक शेखर। ये सभी रसों के भोक्ता है, राम रसिक शेखर नहीं है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, ये सारा अमर्यादित कार्य करने वाला है, सबको प्रसन्न है, इसलिए इनका नाम पड़ा रसिक शेखर। ये सभी रसों के भोक्ता है। कभी कभी मैं इस विचार करता हूं ना कि सुकुनका जो है राम के पास प्रपोजल लेके गई थी, क्या प्रपोजल लेके गई थी? विवाह का, क्योंकि सुना था उसने कि दो सुंदर बालक जो है वन में विचरण कर रहे हैं, उसका मन लग गया और गई प्रपोजल लेके कि मुझे आपसे विवाह करना है, सीधा प्रपोज किया, जैसे आजकल की लड़कियां करती हैं। ये सब कहाँ से शुरू हुआ? ये सब सुपुनका के परंपरा में है। हाँ, प्रपोज तो माता पिता करते तो अच्छा लगता है, लेकिन आज तो ये सुपुनका की परंपरा है, सीधा प्रपोज किया, प्रभु मैं आपसे विवाह करना है। राम ने कहा कि देखो, एक बाणधारी एक पत्नी धारी, ये सब मेरा प्रतीक, ये सब मेरा जो है नियम है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ, एक स्त्री धारी, ये सब मेरे नियम है। एक काम करो, तुम जो है लक्ष्मण के पास जाओ। सुपुनका लक्ष्मण के पास गई, सेम प्रपोजल लक्ष्मण के पास रखा, एक जगह एक्सेप्ट नहीं हुआ था, दूसरा लक्ष्मण भी बड़े सुंदर थे। लक्ष्मण के पास जब सुपुनका प्रपोजल लेकर गई, तो लक्ष्मण ने कहा, देखो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, लेकिन तुम पहले डिसाइड करो, तुम महारानी बनना चाहती हो या दासी बनना चाहती हो शादी करके? तो बोली, मुझे महारानी बनना, मैं दासी क्यों बनूंगी? बोला, महारानी बनना है ना, उधर जाओ शादी के लिए, क्योंकि मैं तो दास हूँ, राम का सेवक हूँ। हाँ, तुम मुझसे शादी करेगी तो दासी बनेगी, उनसे शादी करेगी तो महारानी बनेगी। वो वापस गई राम के पास। आप सबको मालूम है कि दोनों ने एक दूसरे के इधर ठुकरा दिया, एकदम फुटबॉल की तरह लात मारा, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं इस कवि घटना को सुनता हूं ना, मैं विचार करता हूं, सुपुनका गलत जगह गई थी, राम को गलत जगह गई थी। अगर वही सुपुनका कृष्ण के पास आती तो कृष्ण कहते, तुम भी आओ, तुम्हारी बहन को भी लेकर आओ, तुम्हारे सखी उसको भी लेकर आओ, जितने लोग भी आए सब, मैं तो अमर्यादा, वो तो मर्यादा वाले, मैं तो अमर्यादा सबको स्वीकार करता हूँ, ब्रज के ब्रजवासियों को, गोपियों को भी स्वीकार करता हूँ, मथुरा के महिषियों को भी स्वीकार करता हूँ, कुब्जा को भी स्वीकार करता हूँ, द्वारिका के पटरानियों को भी स्वीकार करता हूँ, सबको। इसलिए भगवान को कहा गया रसिक शेखर, ये सभी के रसों के भोक्ता है, अब इस सभी को स्वीकार करते हैं, ये है कृष्ण। तो
जब द्वारका में कृष्ण रह रहे थे, इन पटरानियों ने देखा, बहुत दिनों से देख रहे थे कि रात्रि के समय में कृष्ण हमारे साथ में तो रहते हैं, लेकिन ऐसी रात्रि के समय जब सोते हैं तो उनके मुख से निकलता है उस सांस के द्वारा राधे 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 है? तो बहुत दिनों से सारी पटरानियां बड़े कंफ्यूजन में थे कि सोता तो हमारे साथ में है लेकिन चिंतन रात को किसी और का करता है। अगर कोई पति रात को किसी और स्त्री का नाम लेने लगे तो क्या होगा है? क्या होगा है? घर से निकाल दिए जाएंगे। लेकिन द्वारकाधीश थे, लोग को मन में बहुत विचार था, बहुत सोचते, लेकिन पूछेगा कौन? द्वारकाधीश को पूछेगा कौन? कृष्ण जो है रात को राधा को स्मरण करते थे और राधा का चिंतन चलता था, उनके सांस सांस में राधा का नाम स्मरण होता था। देखिए भक्तों, राधा रानी के बिना किसी भी धाम का अस्तित्व नहीं है। क्या बोला मैंने? राधा रानी के बिना कृष्ण आधा और राधा रानी के बिना किसी भी धाम का अस्तित्व नहीं है। आप बोलेंगे कि द्वारका में तो पटरानियां राधा कहां से आ गई? राधा है द्वारका में, इसलिए द्वारका का अस्तित्व। किस रूप में राधा है? राधा जो है रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते हैं, द्वारका में भी राधा है, लेकिन कौन सी राधा है? वियोगिनी राधा के रूप में कृष्ण के हृदय में विराज कर रही है, इसलिए द्वारका का अस्तित्व है। द्वारका धाम का वियोगिनी राधा के रूप में कृष्ण के हृदय में राधा सदैव विराजती है। अब ये सांस सांस में किसी और का नाम ले रहे, रह रहे हमारे साथ में, सांस सांस में किसी और का नाम ले रहे। बहुत दिन बीता। एक दिन सबने पटरानियों ने सोचा कि इस राज को जानना है कि ये याद किसको करते हैं, कौन है जो इसको ये इतना याद करते हैं, इनके सांस सांस में बसी हुई है। पटरानियों ने विचार विमर्श किया, कैसे पता करे, कौन पूछेगा कौन पूछेगा। तो ये नारद मुनि दिख गए। नारद मुनि देखे, नारद मुनि को यह प्रस्ताव दिया गया। नारद मुनि ने कहा, देखो द्वारिका में एक ऐसी पात्र है जो तुमको बता सकती है कि ये कृष्ण ये राधा है कौन, ये ब्रज में रहने वाले गोपियां है कौन, ये सारी बातों को जो तुम लोग रात को सुनती हो कृष्ण के सांसों में, ये सारी बातों को अगर कोई एक बता सकता तो है रोहिणी माता। क्योंकि रोहिणी माता एक ऐसे पात्र, एक ऐसे भक्त हैं जो भगवान के बाल लीला में भी थी, मथुरा के लीला में भी थी और द्वारका में भी हैं, बचपन से देखती आ रही हैं, तो वही बता सकती है ना कि है कौन जिसको स्मरण कर रहा है, बचपन से वही उसको जानती है। तो सारी पटरानियां मिलकर जो है रोहिणी माता के पास जाकर एक प्रपोजल लिया दिया। समय समाप्त। घड़ी काटा भाग रहा है या क्या हो रहा है? प्रपोजल लेकर गए किसके पास? रोहिणी माता के पास, कि कृष्ण किसको याद करते हैं, आप बताइए, आप जानते हैं सब। रोहिणी माता ने कहा, देखो एक गलत प्रश्न मत करो, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी, अगर कहीं से भी कृष्ण अगर आ गया, अगर वो सुन लिया मैं जो बताऊंगी कृष्ण किसको याद कर रहा है, ये गोपियां कौन है, राधा कौन है, हाँ जो है ब्रज के वर्णन करूंगी ना, अगर कृष्ण थोड़ा भी सुन लिया ना, तुम लोग हाथ धो बैठोगे कृष्ण से, क्योंकि वो भाग जाएगा सीधा ब्रज, सीधा भाग जाएगा। नहीं नहीं मैया, आपको मुझे सुनाना है श्रवण, बताइए बताइए, बहुत निवेदन करने लगे। और पटरानियों ने प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, जो है एक कमरा, एक हॉल को जो है सेलेक्ट करते हैं, उस हॉल में लॉक मार देंगे, कोई नहीं आएगा, कृष्ण भी नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा, और नहीं सुनेंगे, आप हमको सुना दीजिए। रोहिणी मैया तैयार हुई, लेकिन देखो गेट पे वॉचमैन खड़ा रहेगा, द्वारपाल खड़ा रहेगा, मान लो उसकी हिम्मत है, कृष्ण आएंगे तो उसको रोक पाएगा? वो आ जाएगा अंदर सीधा, द्वारकाधीश है वो, कौन उसको रोक पाएगा? लेकिन सबकी लालसा इतनी तीव्र थी सुनने का कि कृष्ण किसको याद कर रहे हैं, ये लालसा इतनी तीव्र थी। सुभद्रा ने सुना, सुभद्रा ने भी सोचा कि हम जान ही लेते हैं, जान लेते हैं कि कौन है। सुभद्रा ने कहा, चिंता मत करो, वाचमैनी मैं करूंगी, देखती हूँ मजा इसका कैसे अंदर आता है, बहन है कृष्ण की। सुभद्रा ने कहा कि मैं वाचमैनी करती हूँ। सुभद्रा गेट पे खड़ी हुई, सारी पटरानियां उस हॉल के अंदर, गेट लॉक कर दिया गया, सुभद्रा गेट कीपर के रूप में खड़ी है, और यहाँ पे रोहिणी मैया
इन सारी पटरानियों को जो है भगवान की बाल लीला से भगवान के ब्रज की लीलाओं को श्रवण करना सुनाना प्रारंभ कर दिया। ऐसी लीलाओं को श्रवण करना सुनाना प्रारंभ किया और जैसे ही एक पता चला कृष्ण को कि मेरी कथा चल रही है, मेरी कथा चल रही है, जैसे कृष्ण को, अब कैसे कृष्ण को पता चला, सर्वस्य चाहम, सभी के हृदय में भगवान तो है ना, क्या चल रहा है उसको सब मालूम चल रहा है। लेकिन कृष्ण कथा को लेकर इतना लालायित रहते हैं कि जहां पे भी कृष्ण की कथा, भगवान की कथा चलती है वहां पे जाके वो बैठ जाते हैं। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय स्वाम। नारद मुनि एक बार भगवान के पास जाकर पूछ रहे कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस बताइए मुझे। फिर नारद मुनि सोचा कि आप तो वैकुंठ में ही रहते होगे हमेशा। भगवान कह रहे, भगवान के मुख का ये शब्द है, मुखारविंद से भगवान के निकला शब्द है कि नारद मुनि मैं कहाँ रहता हूँ सदैव, एड्रेस दे रहे भगवान अपना। भगवान कह रहे ना हम वो स्वामी वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ नारद मुनि। नारद मुनि मानो कह रहे कि निश्चित रूप से आप योगियों के हृदय में रहते होगे। तो भगवान कहते ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय स्वाम, मैं योगियों के भी हृदय में नहीं रहता हूं। नारद मुनि बोले प्रभु आप बताइए दीजिए ना कहां पर रहते हैं। तब भगवान कहते हैं कि हे नारद मुनि ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय स्वाम, यत्र गायन्ति मदभक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मुनि मैं उस स्थान पे सदैव निवास करता हूँ जहां पे मेरे भक्त बैठकर मेरी कथाओं का श्रवण करते हैं, मैं उस स्थान पे निश्चित रूप से हमेशा सदैव उस स्थान पे विराजमान रहता हूँ। भगवान को जैसे ही पता चला कि रोहिणी मैया मेरी कथा कर रही, भागे भगवान, सुधर्मा सभा छोड़ के भागे भगवान कथा सुनने के लिए। अब बताइए मुझे अपनी प्रशंसा कौन नहीं सुनता है, रास्ते में चल रहे हैं पीछे से कोई हमारी प्रशंसा नाम लेके किया ना, ऐसा कान लगता है ना सामने वाला क्या बात करता है वो सब भूल जाते हैं। अपनी प्रशंसा सुनने का कान देखिए, ये गुण हमारे अंदर कहां से आया, कहां से गुण आया, कृष्ण से आया। गीता में कहते हैं ना मैं वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव मेरे सनातन अंश है, सनातन अंश होने के नाते उनके अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर भी आया। तो अपनी प्रशंसा सुनना कौन पसंद नहीं करता है, जब कृष्ण की कथा चल रही है मतलब कृष्ण की प्रशंसा हो रही है। कृष्ण भागे सुधर्मा सभा छोड़ के सुनने के लिए, जैसे ही भाग कर आए यहाँ पे कौन खड़े थे, गेट कीपर सुभद्रा, रुक जाओ कहाँ जा रहे हो कथा सुनने, क्या चल रहा सुनने, जाने दो, नहीं नहीं एंट्री नहीं है, क्यों क्या चल रहा है अंदर। कृष्ण ने कहा कि अंदर क्या चल रहा है, सुभद्रा ने कहा अंदर आपकी कथा चल रहा है बताने के लिए मना किया है। कुछ लोग होते हैं ऐसा। बता दिया बताने के लिए मना किया। कभी कभी होता है ना बच्चे फोन उठाते हैं, पप्पा बोलते हैं कि बताना मत घर में नहीं है, बोलते पप्पा बोल रहे हैं कि घर में नहीं है। इतने साफ होते हैं हृदय के। सुभद्रा ने कहा कि अंदर आपकी कथा चल रहा है आपको बताने के लिए मना कि आपको नो एंट्री, नहीं जाना है। अब कथा का सुन के और लालायित हो गए कृष्ण, मुझे जाने दो जाने दो। कृष्ण ने बहुत निवेदन किया, बड़ा लंबा प्रसंग है, कृष्ण ने बहुत निवेदन किया, सुभद्रा को याद दिलाया देखो अभी कुछ ही समय में रक्षाबंधन आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है, 2000 की नोट दूंगी, 2000 को नोट दूंगा, खोल दो दरवाजा। सुभद्रा ने कहा आपको पता नहीं 2000 का नोट बंद हो गया। मेरे को उल्लू बनाने चले हो। लेकिन कृष्ण ने समझाया कि नहीं नहीं ये नोट बंदी नहीं है, चिंता मत करो ये चल रहा है अभी भी। अनेक प्रकार से कृष्ण जो है अपनी कथा को श्रवण करने के लिए इतना निवेदन कर रहे हैं सुभद्रा को, इतना निवेदन कर रहे हैं सुभद्रा ने वाला नहीं नहीं एंट्री नहीं देना है। अच्छा कोई बात नहीं, दरवाजा नहीं खोलना है तो कम से कम खिड़की तो खोल दो, कम से कम अंदर का आवाज तो बाहर आ जाए। इसलिए हमने खुला ही रखा है खिड़की, क्योंकि ये बंद रखेंगे तो फिर बाहर भक्तों को कान लगाना पड़ेगा। तो कृष्ण की लालसा बढ़ी, सुभद्रा को निवेदन किया, सुभद्रा ने कहा कोई बात नहीं दरवाजा नहीं खोलेंगे, दरवाजा खोलने के लिए मना किया, खिड़की के लिए नहीं मना किया है, दरवाजा खिड़की खोल दिया। अब जो है कृष्ण
बलराम सुधर्मा सभा से आए थे ना, कृष्ण बलराम जो है अपनी कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा को श्रवण करते 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 अभी इनके अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो रहा है। ऐसी भगवान की बाल लीलाएं है ना, ब्रह्मा की भी समाधि टूट जाए, शिव जी की भी समाधि तोड़ने वाली भगवान की बाल लीलाएं। उस भवन में जब भगवान विचरण करते छोटे बालक के रूप में लीला कर रहे हैं ना, उस नंद भवन में जो है कृष्ण चलते 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 कुएं में जाकर देख रहे हैं कृष्ण। हाँ, छोटा सा बालक भगवान चलते चलते वो कुआं होता है ना, कुआं पे हाथ को रखा और ऐसा करके कुएं के अंदर देख रहा है। ये लीला रोहिणी मैया वर्णन कर रही है। अब कृष्ण सुन रहे हैं अपनी ही कथा को, बचपन की कथा को सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं रोहिणी मैया वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान चलते 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 उस कुएं के पास पहुंचे और उसको अब तो खड़ा नहीं हो पाता तो सहारा लेके खड़ा हुआ, खड़ा होकर देख रहा है अंदर। अंदर देख रहा है तो कुएं में उसकी परछाई दिख रही है। तो कृष्ण देखकर अंदर देखकर बोल रहा है, कौन हो तुम? तो अंदर से भी आवाज आ रहा है, तुम कौन हो? फिर से कृष्ण पूछे, तुम कौन हो? वो अंदर से रिफ्लेक्ट होता है ना कुएं में से, आवाज आ रहा है, तुम कौन हो? बोल रहे कि उल्टा कोल चोर कोतवाल को जाटे, मेरे घर में आया है और मुझे ही सुना रहा है, तुम कौन हो? तुम चोर हो? और चिल्लाने लगा, चोर आया, चोर आया, चोर आया, दाऊजी दाऊजी, भैया भैया देखो चोर आया हमारे घर में, चोर कुदा है, घुसा हुआ है। अब जो है दाऊजी आए, वो भी थोड़े ना ज्यादा बड़े थे, छोटे से ही थे, वो भी आए चलते चलते और देखे, अरे हाँ ये सच में चोर है। अब यहाँ भी कृष्ण दाऊजी आ रहे हैं, उनको चिल्लाए दाऊजी आ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ उसके साथ जो वार्तालाप कर रहे हैं स्वयं डांट रहे चिल्ला रहे, बोला निकलता है कि नहीं, आवाज से भागता है कि नहीं, तो सिर वो उल्टा आ रहा है, भागता है कि नहीं। इतना गुस्सा कृष्ण को आया कि उसको मारने के लिए कुएं में कूद पड़े। अब इधर बलराम जी आए और बलराम जी जब देखे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं खोज रहा हूं, मिल नहीं रहा है इधर, तो बलराम जी कह रहे मुझे अभी भी दिख रहा है। अरे दिखेगा ना, तुम तो ऊपर दिखेगा ही ना। ये सब रोहिणी मैया सुना रही है कथा और ये सारे और वार्तालाप चल रही है, तब तक बलराम जी भी रुक रुक मैं भी आता हूँ खोजने के लिए, रुक रुक करके वो भी कूद पड़ते हैं। तब तक ये सारी गोपियां जो है देख रही थी इन दोनों का कारनामा और चिल्ला रहे थे, मैया यशोदा जल्दी भागो, ये तुम्हारे लाला जो है कुएं में कूद गए। सभी जैसे तैसे करके उन दोनों को बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार जो है कृष्ण की ये बाल लीला, गोपियों के साथ लीला, गईयों के साथ लीला, ये सारे वर्णन जो है रोहिणी मैया कर रही है। और कृष्ण कान जैसे होता है, अभी आप लोग श्रवण किए ना हाँ, कैसा रोमांच कंपा शुरू होता है कि नहीं। कृष्ण अपनी कथा को श्रवण करके अंदर अष्ट सात्विक विकार आया, धीरे 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 उस विकार से कृष्ण का बलराम का जो है अपनी ही कथाओं को श्रवण करते करते पूरा शरीर पिघलने लगा। लोहा बहुत कड़क होता है लेकिन लोहे को भी एक तापमान पे पिघलाया जाता है और उसको जैसा मोल्ड करे वैसा मुड़ जाता है कि नहीं। तो राधा विरह रूपी ताप में कृष्ण इतने पिघल गए ब्रज को याद करते हुए, कृष्ण इतने पिघल गए जो है उनकी आंखें अंदर चली गई, बड़ी बड़ी आंखें हो गई, हाथ अंदर चला गया, सारे शरीर सिकुड़ गए, हाँ सारे शरीर आधा हो चुका। इस प्रकार अपनी कथा को श्रवण करते करते और ये बलराम जी की भी यही हालत, कृष्ण की भी यही हालत और सुभद्रा भी खड़ी है उसको भी श्रवण सुनते सुनते यही हालत हो गया। तब तक नारद मुनि आए, विश्राम करते रहते थे ना, नारद मुनि आए, नारद मुनि नारायण नारायण प्रभु क्या रूप है आपका, ये रूप आपका आप कब दर्शन दोगे आप इस रूप का? नारद मुनि ने निवेदन किया, अनेक वार्तालाप है। नारद मुनि के निवेदन से भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, कलयुग में कलयुग के जीवों को दर्शन करने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए मैं ये विशेष स्वरूप जो है, जिस स्वरूप का नाम होगा जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा, और इस स्वरूप के रूप में आकर मैं कलयुग में सबको दर्शन दूंगा और सभी को जो है दर्शन देकर जो है अपने धाम में वापस बुला लूंगा, अपने धाम में सेवा में उनको वापस ले लूंगा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। इस प्रकार जो है भगवान कृष्ण और बलराम सुभद्रा का इस स्वरूप इस रूप में हो गया। ये इसके पीछे अनेक घटनाएं भक्तों, एक दिन में समाप्त नहीं, जगन्नाथ कथा 7-7 दिन करेंगे तब समाप्त होगा, लेकिन अब हम यहाँ पे
समाप्त करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है समय ज़्यादा हो गया, देखिए 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़ा ध्यानपूर्वक श्रवण किया और इतना सुंदर श्रवण किया। देखिए श्रवण करते हैं ना तो आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है तो सब निकलता है, सही प्रभाव निकलता है ना। थोड़ा विलम्ब हुआ जरूर, लेकिन मैं भी थोड़ा विलम्ब से आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों को कि मुझे, और धन्यवाद यहाँ पे सिलवासा सेंटर के सभी भक्तों का जो कि हमको इन्विटेशन दिया। इन्विटेशन देते ही रहते हैं, मैं ही मना करता हूँ, क्या करो समय नहीं मिलता है, अनेक प्रोग्राम संडे मतलब प्रोग्राम ही प्रोग्राम। तो आया आप तो कुछ क्षमा करिएगा, कुछ गलती हुआ हो मेरे शब्दों से। और निश्चित रूप से आप लोग यहाँ पे आए हैं, बड़ा सुंदर जगन्नाथ जी का स्थान है, और इस प्रकार से जगन्नाथ जी के साथ आदान प्रदान करिए, ऐसा करिए ऐसा करिए ऐसा करिए। आप बोले अब प्रभु इस जगह को छोड़ के जाइए मत, यही जगह अपना लीजिए अपना हाँ बहुत हो गया फ्लैट ये इधर उधर, अब मत भटकिएगा किधर, इतना आदान प्रदान करे कि यहीं पर चिपक जाए, कुछ ऐसा योजना बनाए ताकि हमेशा के लिए यही रहे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे हरि।